नमस्कार एमपी, अब तक के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे जबलपुर से, जहां मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया है, सनातनी हो गई है मुस्लिम महिला रजिया बी। काली मंदिर में हिंदू धर्म अपनाया है रजिया बी ने, मुस्लिम धर्म में कई बंदिशें हैं बताई, कहा कि हिंदू महिलाओं को सम्मान मिलता है। राम ने स्वप्न में कही सनातन अपनाने की बात, इसीलिए सनातन बन चुकी है रजिया बी। सनातन धर्म को अपनाया और कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं को इज्जत मिलती है, इसलिए रजिया बी ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। रजिया बी ने काली मंदिर पहुंचकर बकायदा विधि विधान से पूजन के बाद, अर्चन के बाद जाकर हिंदू धर्म अपनाया है। तो ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वापसी अपने धर्म में रजिया बी ने की और हिंदू धर्म अपना लिया है, और कहा कि स्वप्न में श्री राम आए और कहा कि हिंदू धर्म अपनाओ। राम मुझे सपने में आज प्रेरणा मिली मुझे उनसे, इसलिए मैं सनातन धर्म अपनाना चाहती हूँ। और मुझे इसमें किसी से भी किसी की भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैं अपनी मर्जी से। वो भी सनातन धर्म पूरी परिवार अपनाएंगे हमारे। कौन कौन है परिवार में? परिवार में हम हैं और क्या कहते हैं, हमारे पति हैं, दो बच्चे हैं, सास ससुर हैं। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, इस मामले पर क्या जानकारी आपके पास और ये कहानी क्या है रजिया बी की? जी बिल्कुल, ये रजिया बी जो है जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है, ये सदर की रहने वाली हैं और जन्म से ही ये मुस्लिम परिवार में रही हैं, मुस्लिम संस्कृति के में रहकर ही ये पली बढ़ी हैं। लेकिन कुछ समय पहले इनका कहना है कि भगवान श्री राम इनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अपना लो, घर वापसी करो। उसके बाद से इनके मन में इच्छा थी, जिसके बाद इन्होंने मंदिर पहुंचकर पुजारी से और हिंदू धर्म सेना के जो सदस्य हैं उनसे चर्चा की। रजिया बी का कहना है कि वो बचपन से ही हिंदू समाज के प्रति उनका काफी झुकाव रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज में सम्मान नहीं मिलता, महिलाओं को आजादी नहीं मिलती है, जबकि हिंदू धर्म में देवी की तरह पूजा जाता है, महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और पूरी स्वतंत्रता मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में महिलाओं के लिए क्या स्थान है, कितना सम्मान है, वो वजह बताते हुए उन्होंने धर्म परिवर्तन की इच्छा जताई और आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। बने रहिए पवन, आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अब बात होगी जबलपुर की ही, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और कार से पुलिस ने लगभग 80 लाख कैश बरामद किए हैं। चेकिंग के दौरान कार से कैश बरामद हुआ है। पनागर में नागपुर एक युवक जा रहा था पनागर से, और हवाला से जुड़े हो सकते हैं तार, ये आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आईटी विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। इनकम टैक्स अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। तो एक युवक भारी मात्रा में कैश लेकर जा रहा था। पवन संवाददाता साथ जुड़े हुए। पवन, इस बारे में कुछ पता चल पाया है, ये युवक कहां का रहने वाला था, किससे इसके तार जुड़े हुए थे और इतना कैश कहां से आया? पवन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। कार से आप देखिए भारी मात्रा में कैश मिले हैं, लेकिन इस कैश के तार कहां कहां जुड़े हैं, ये सबसे बड़ा सवाल, और इसी सवाल के जवाब के लिए लगातार पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले दिनों अखंड भारत बनाने की बात कही थी। सीएम के इस बयान पर पाकिस्तान को इस कदर मिर्ची लगी है, उसने आपत्ति जता दी। पाकिस्तान की आपत्तियों पर सीएम ने सच का आईना दिखा दिया है। आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे, सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बने। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया था। इस बयान की गूंज पाकिस्तान के कानों तक पहुंची, वहां भूचाल आ गया।
पाकिस्तान में इस कदर हड़कंप मचा कि वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर विरोध जताया। मोहन यादव ने भोपाल के बैरागढ़ में सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान यह बयान दिया था। उधर पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार कर मोहन यादव ने कहा कि विस्थापित शरणार्थियों के आने से पहले अखंड भारत ही था। अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा हमारे राष्ट्रगान में है। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे उनको लेकर के, तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। सीएम मोहन यादव ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है, साथ ही इतिहास की सच्चाई भी बता दी जो पाकिस्तान मानने से इनकार करता रहा है और अपनी पीढ़ियों को बताने से भी छिपाता रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर एमपी में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां सीएम को विदेश नीति पर बयानबाजी ना करने की नसीहत दे दी, तो वहीं बीजेपी ने बयान का समर्थन किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सीएम को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बयानबाजी से बचने की सलाह दी, साथ ही भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान के बयान की आलोचना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के अखंड भारत और उसमें अफगानिस्तान तक को छूने की सीमा वाले बयान पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बयान आना दुखद है। और यह भी सच है कि डॉक्टर मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं, उन्हें मध्य प्रदेश की सीमाओं में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की सलाह पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा है कि मोदी के राज में कुछ भी असंभव नहीं, जैसे मंदिर बना, धारा 370 और तीन तलाक हटा, ये सपना भी पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि परमात्मा चाहेगा तो एक न एक दिन अखंड भारत बनेगा। अब कांग्रेस सवाल उठा रही कि अखंड भारत बन नहीं सकता, भाजपा झूठे सपने दिखा रही। अरे मोदी जी और भाजपा की सरकार जब से देश में बनी है कुछ भी असंभव नहीं, हर सपने को पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। देशवासी ने जो सपना देखा, जो चाहा, उसे पूरा करने का काम किया है। हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे तो कांग्रेस कहती थी तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी, 22 तारीख। हम कहते थे धारा 370 हटाएंगे तो ये कहते थे सपने दिखा रहे, हमने हटा के बता दी। हम कहते थे तीन तलाक हटाएंगे, जब भी ये स्वीकारते नहीं थे। तो जो जो कहा है भाजपा ने उसको पूरा करके दिखाए। यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो देश में मोदी जी की सरकार है, हर संभव काम को संभव करके दिखाती, एक न एक दिन भारत अखंड भारत बनेगा और जो हर भारतवासी का सपना है वो पूरा होगा। जिस अखंड भारत की बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है उससे कई जानकार इत्तफाक रखते हैं। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव का बयान कोई नया नहीं है और इस पर सियासत हो ये ठीक नहीं है। राम जन्मभूमि के लिए लोगों के बलिदान को इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। कैलाश की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया, साथ ही बीजेपी और आरएसएस के महिमा मंडन से बचने को कह दिया। अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन ये 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद हुआ है। ऐसे में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के बारे में कई लोग नहीं जानते। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए कई राजाओं और लोगों ने बलिदान दिया, ऐसे में राम जन्मभूमि के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी को इस बारे में पता चल सके। बड़ा इतिहास है लंबा, मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का बलिदान हुआ, मतलब राणा रणविजय सिंह जी से लेकर कोठारी बंधु तक, इससे श्रृंखला अगर हम देखें तो लाखों लोगों का बलिदान। राम मंदिर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया है, साथ ही यह भी जोड़ा इसमें बीजेपी आरएसएस का महिमा मंडन ना हो।
निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, स्वागत योग्य उनका विचार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कहीं ऐसा ना हो कि कैलाशवरी की जो मंशा दिखाई दे रही कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को महिमा मंडित किया जाए। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला उसमें वस्तु स्थिति पूरी बताई जाए, किस तरह राजीव गांधी जी ने मंदिर के पट खुलवाए थे, किस तरह तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी ने शिलान्यास किया था विष्णु परिषद के साथ, किस तरह शंकराचार्य ने भी दिशा निर्देश दिए थे कि धार्मिक सब जो रीति रिवाज उसके अनुसार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए, सब चीजों की वास्तविकता बताते हो, इसका पूरा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के सीधी बात है, अगर पाठ्यक्रम में आप शामिल करते हो सत्यता जो है पूर्णता बतानी जानी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को महिमा मंडित करते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अमूमन बीजेपी के बयानों का विरोध करने वाली कांग्रेस विजय वर्गीय की मांग का समर्थन कर रही है, हालांकि फैन बट अभी भी है, जाहिर है ये सियासत का तकाजा भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें प्रत्येक जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे, इसमें सभी सुविधाएं होंगी। वहीं कैबिनेट ने दो सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज कर दिया गया है। वाणिज्य कर की समय सीमा में वृद्धि की गई है। साथ ही ड्रिंकिंग वाटर के लिए रतलाम जिले में योजना को स्वीकृति मिली है। वहीं सबसे ज्यादा माइनिंग ब्लॉक नीलाम करने पर मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में इस बात की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2014-11 में के प्रावधानों में थोड़ा संशोधन किया गया है, क्योंकि अभी आयुर्वेद विश्वविद्यालय चिकित्सा में दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि के पाठ्यक्रम संचालित करती है, पर इसमें पैरामेडिकल स्टाफ को, क्योंकि पहले एकाध कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके पैरामेडिकल स्टाफ के जो पाठ्यक्रम है उसको ही यूनिवर्सिटी को देने का प्रस्ताव है, और इसलिए इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी काफी बड़ी है। भोपाल में हुए खनन मंत्रियों का सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हमारे पास बहुत कोयला है, लेकिन कोयला इंपोर्ट होता है जो कि पाप है। उनकी माने तो इस मसले पर वो ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की इकोनॉमी वीक है, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। वहीं सम्मेलन में शामिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विभागों के समन्वय की परेशानी है, लेकिन हम इस परेशानी को खत्म करने की कोशिश करेंगे और मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। जो कुछ भी पेंडिंग है, एक बार या दो बार आप दिल्ली आ जाइए, मैं स्वयं एक संबंधित जो मंत्री है श्री भूपेंद्र राजे, वो भी बहुत पॉजिटिव है, उनके साथ बिठा के मैं चर्चा करता हूँ और सोल्यूशन वही स्पॉट पर सोल्यूशन करके हम आपको भेज देंगे। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे अपने अंदर की जो कठिनाइयां विभिन्न विभागों की है, फॉरेस्ट से लेकर के कई सारी कारणों से, लेकिन आपके नेतृत्व में हम सब प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश, ये जो आपने आज का दिन दिया है, ये एक तरह से मील का पत्थर बनेगा और हम आगे बढ़ करके उन सारी संभावनाओं को लेके चलेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम पहुंचने पर विवाद शुरू हो गया। राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने के निर्देश जारी हुए हैं। उधर कांग्रेस ने यात्रा पर हमले का आरोप लगाते हुए MP में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। गुवाहाटी में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम पुलिस के द्वारा रोके जाने और उसके बाद हुए पुलिस से भिड़ंत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश जारी हुए हैं। वहीं MP कांग्रेस ने यात्रा पर हमले का आरोप लगाया और अलग अलग शहरों में मौन धरना दिया।
भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस के धरने में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह जैसे नेता शामिल हुए। आपको जो अधिकार दिया है कांग्रेस पार्टी ने, अम्बेडकर ने, भारत के संविधान ने, अपने मत डालने का, भारतीय जनता पार्टी इस विचार से की भावना से कभी आत्मसात नहीं होती है। उनके जितने संगठन है उनमें नैतिकता के आधार पर भी कभी लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होती है। तो हम आपके आम जनता के, भारतवर्ष के वोट डालने के मत की रक्षा की अपील इस यात्रा के माध्यम से हो रही है। राम राज की बात करते हैं, ये यही राम राज है। हम अकेले मंदिर में जाएंगे और किसी को नहीं जाने देंगे। यही अन्याय के खिलाफ भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रही है, अन्याय के खिलाफ, न्याय के पक्ष में। विरोध इंदौर में भी जताया गया। बड़ा गणपति चौराहे पर सुभाष प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने, उनको वहां प्रवेश नहीं करने दिया गया, उनके काफिले पे हमला किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी एक व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं है कि वो राम मंदिर में जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी पहुंची है। गुवाहाटी में प्रवेश करने पर जब पुलिस ने रोका तब कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और इस दौरान काफी झड़प हुई। अब इस मामले पर सियासत लगातार जारी है। सतना से खबर आ रही है जहां खड़ी कार में आग लग गई। दमकल